हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराने वाला हूँ, जो मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वीडियो को देखिए। चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश को किया गया था। मतलब फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश को किया गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी से था। कार्बोनरी संगठन से था संबंध किसका? मेजनी का। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि माउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? यानी कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों, आगे प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोपवासियों के लिए यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा यूनान। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की देश के साथ हुई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेडान के युद्ध में। और दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक जिसे वहाँ का राजा घोषित किया गया उसका नाम क्या था? यानी कि यूनान के स्वतंत्रता के बाद बबेरिया के शासक जिसे वहाँ का राजा घोषित किया गया उसका नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा उसका नाम ओटो था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। तो निम्नलिखित समूह का मिलान करना है तो मेजनी का जो मिलान होगा वो इटली से होगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि गलत मिलान करके नहीं दिया गया है, यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया है। और हीगल का मिलान होगा दार्शनिक से, और बिस्मार्क का मिलान होगा जर्मन चांसलर से, और विक्टर इमैनुअल का मिलान होगा राजनीतिज्ञ से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे भी मिलान करना है तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1814 से 15 ईस्वी में था। वियना सम्मेलन 1814 से 1815 ईस्वी में हुआ था। और मेटरनिक का पतन जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण 1817 ईस्वी में हुआ था। और सेडेना का युद्ध जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडेना का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, आगे फिर मिलान करना है कि कोसुथ, तो कोसुथ का जो मिलान होगा दोस्तों वो होगा हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। यहाँ हंगेरियन लिखा गया होगा, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। और जो दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि जो कि मिलान होगा इसको 1830-29 ईस्वी से मिलान होगा। और यूनान की स्वतंत्रता का जो मिलान होगा वो 1832 ईस्वी से मिलान होगा। और पोलैंड में आंदोलन इसका मिलान होगा 1863 ईस्वी से। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।